सो वेलकम बैक गाइस, एक फिर से धमाके दा वीडियो। इस वीडियो में कक्षा 10वीं का जो विषय विज्ञान का आपका पेपर है जो 26 तारीख को होना, सो गाइस पूरा आप रियल पेपर देख लीजिए। 1000% गारंटी के साथ रियल पेपर लाते हैं। सो गाइस यहाँ पर आपका ये जो है पूरा 1000% रियल पेपर है। अगर गाइस ये पेपर ना आए तो गाइस आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर गाइस आपको जो है अभी वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ पर आपका पूरा 1000% रियल पेपर देख लेते हैं। पूरे आपके 75 नंबर इस वीडियो में जो है 75 नंबर आपके पूरे 75 नंबर कंप्लीट करेंगे। सो गाइस यहाँ पर जल्दी से यार आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2023 अभी कक्षा 10वीं विषय विज्ञान सेट सी का व्यवहार जो है आपको देखने को मिलने वाला है। सो गाइस इसी तरह आपको अर्धवार्षिक परीक्षाओं के भी रियल पेपर प्रोवाइड करा देंगे। सो जल्दी से आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके हमने सभी विषय के जो है रियल पेपर भी प्रोवाइड कराए हैं। सो गाइस आप लोगों के कमेंट आए थे सर विज्ञान का भी पेपर प्रोवाइड कराए, सो गाइस हमने सोचा आपको जो विज्ञान विषय का भी रियल पेपर और सामाजिक का भी आपका रह गया तो सामाजिक का भी आपको रियल पेपर प्रोवाइड करा देंगे। सो गाइस जल्दी से आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप अपने निर्देश वगैरह सभी पढ़ लेना। चलिए यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प चुनकर लिखना जो कि आपके 6 नंबर के हैं। तो इस 6 नंबर के सही विकल्प देख लीजिए। पहला, हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है, कितने 6 से 6.2 तक। तो वैसे इनके जो आंसर हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराने वाले हैं। इस वीडियो में आप जल्दी से पूरे क्वेश्चन देख लीजिए, वो हिसाब के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है आप स्क्रीनशॉट ले लेना। पूरा लिखकर हमने कर दिया है, तो इस वीडियो के एंड में आप जल्दी से सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी आप जल्दी से फटाफट क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा, निम्नलिखित में टमाटर में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। सो गाइस लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, यहाँ पर ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सो गाइस इसमें आपका द ऑप्शन। इसके बाद है आपका तीसरा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य सूत्र है। सो गाइस यहाँ पर सामान्य नाम, सो गाइस इसमें सामान्य नाम हो जाएगा धोने का सोडा है, विरंजक चूर्ण है, ब्रेकिंग सोडा, नीला थोटा। सो इसी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाती है। इसके बाद चौथा, एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है किसमें होता है, दूध में, सेब में, चींटी के डंक में या सिरके में। सो इसी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाती है। सो इसी पूरा 1000% रियल पेपर हम आपको बार बार बताए गारंटी के साथ। आपका जो है 26 सितंबर को यही पेपर आएगा पूरा। यहाँ पर देख लीजिए 5वां है, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है, जो अम्ल है उसके लिए कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। सो इसी आपके 4 ऑप्शन है, कड़वा स्वाद लाल लिटमस को नीला करना, ये आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके बाद 6वां है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या, जो मानव के हृदय है इसमें कक्षों की संख्या कितनी होती है, 3, 4, 2, 5, ये आपके ऑप्शन है। तो इस हमने आपको बता दिया, इसका सॉल्यूशन आपको हम बता देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना, पूरा सॉल्यूशन आपको कंप्लीटली बताया जाएगा। सो इसे आप अभी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना जो कि 6 नंबर के। पहला है, पादपों में भोजन का परिवहन डॉट द्वारा होता है। फिर दूसरा, डॉट प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। इसके बाद तीसरा, जलीय जीव श्वसन के लिए डॉट ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इसके बाद चौथा, मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए डॉट उत्तरदायी होता है। इसके बाद 5वां, साइटोकाइनिन एक पादप डॉट है, कैसा पादप है आपको बताना है। इसके बाद 6वां, 2 तंत्रिका कोशिका के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, जो रिक्त स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, 2 तंत्रिका के बीच। इसके बाद आपके जो है रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद जो है आपके गई जो टोटल 23 क्वेश्चन है, तो 23 के पूरे 23 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए अब आपका जो है क्वेश्चन 3 आ जाता है, यहाँ पर दिख लीजिए। क्वेश्चन 3 में आपको जो है सत्य लिखना है। चलिए आपके सत्य देख लेते हैं जो कि आपके 6 नंबर के हैं। देख लीजिए, पहला है आपका, अस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है, ये आपको बताना सत्य या असत्य। इसके बाद दूसरा, संवेदी न्यूरॉन मेरु रज्जु से आवेग को पेशियां तक पहुंचाती हैं, ये आपका दूसरा। तीसरा है, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण से भिन्न होता है। इसके बाद चौथा, वस्तु को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। इसके बाद 5वां, समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा व बड़ा बनता है। इसके बाद है 6वां, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है, ये आपकी जो है सत्य हो जाती है। इनके आंसर हम आपको बता देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना। इसके बाद है सही जोड़ियाँ भी आपकी 6 नंबर की हैं। देख लीजिए, पहला अपघटक, यहाँ पर दूसरा ओजोन परत, तीसरा आहार श्रृंखला, चौथा है लेंस क्षमता, इसके बाद 5वां इंद्रधनुष, 6वां अपवर्तन, ये आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। पोषक स्तर, सूक्ष्म जीव और परावैगनी किरणें, तारों का टिमटिमाना, डायोप्टर और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। सो इसी आपकी सही जोड़ियाँ हो जाती हैं। इनके जो आंसर है हम आपको बता दे रहे हैं, आपको जो है पूरे आंसर बताए जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी आप जो है पूरे क्वेश्चन देख लीजिए, आपके जो रियल पेपर है इसमें जो है कैसे क्वेश्चन आपके आए हैं। सो इसमें आपके पूरे क्वेश्चन हम कंप्लीट करा देंगे। देख लीजिए, और 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 शब्द वाक्य में दीजिए, 6 नंबर के हैं। देख लीजिए, यहाँ पर जो है पहला है,
उस लेंस का नाम लिखिए जो सदैव आवासीय प्रतिबिंब बनाता है। इसके बाद दूसरा, किसी खास श्रृंखला का आरेख बनाइए। इसके बाद तीसरा, दूरदृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का उपयोग होता है, ये आपको तीसरा हो जाएगा। चौथा, जो पदार्थ सूक्ष्मजीव द्वारा अपघटित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं। इसके बाद पाँचवा, निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद छठवां, ओजोन परत में छिद्र सबसे परत कब देखा गया। सो गाइस यहाँ पर ये आपका जो है एक वाक्य के कंप्लीट हो जाते हैं। सो गाइस ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद अब आपके प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से जल्द, क्योंकि पूरा आपका रियल पेपर जल्दी से आपको याद कर लेना है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, नहीं तो गाइस आपके 75 में 75 नहीं आएंगे। आपके जो 75 में 75 आने चाहिए, क्योंकि पूरा 1000 रुपये रियल पेपर आपको मिल चुका है। जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह आदिवासी परीक्षाओं के भी आपको रियल पेपर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो इसके बाद छठवां, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित करना है। इसके अथवा में क्रिस्टलीकरण में क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं, ये आपका जो है इसका अथवा हो जाएगा। इसके बाद सातवां, ब्रेकिंग सोडा व इसका प्रयोग लिखिए। इसमें आपको इसका अथवा है, अम्ल व जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्यों, ये आपका इसका अथवा हो जाता है। आठवां, जल से बाहर निकलने पर मछलियां क्यों मर जाती हैं, इसका अथवा स्वपोषी पोषण विधि को परिभाषित करना है। इसके बाद नौवां है, इसका नौवां है, विषम पोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं, यहाँ पर कौन सी है ये बता देना। इसका अथवा है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण सही लिखिए। इसका अथवा है, इसके बाद दसवां है आपका, प्रकाश अनुवर्तन किसे कहते हैं, अथवा में जलानुवर्तन किसे कहते हैं, ये आपके जो दसवां तक कंप्लीट हो जाते हैं। अब ग्यारहवां क्वेश्चन जो नेक्स्ट पेज से देख लेते हैं, तो वैसे देख लीजिए यहाँ पर दो दो नंबर वाले आपके सभी क्वेश्चन हैं। यहाँ पर देख लीजिए, हार्मोन क्या है, इसके बाद हार्मोन्स क्या हैं, इसके अथवा है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। इसके बाद है आपका बारहवां क्वेश्चन क्या है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के प्रकार बताना है। इसके बाद अथवा है, आवासीय प्रतिबिंब के दो विशेषताएं लिखिए, यहाँ पर इसकी आपको दो विशेषताएं लिख देना है। इसके बाद तेरहवां है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, आपको इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है। इसके बाद अथवा में, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हो। इसके फिर चौदहवां क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, इसका अथवा टिंडल प्रभाव क्या है, इसमें आपको टिंडल प्रभाव लिखना है। इसके बाद पंद्रहवां है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, इसका अथवा है, गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का क्या कारण है। इसके बाद है आपका 16वां, ग्लोबल वार्मिंग के दो कारण लिखना है। इसके बाद है इसका 16वां का जो अथवा है, परितंत्र के मुख्य घटकों के नाम। सो गाइस यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि पूरे आपके 23 क्वेश्चन जो है रियल पेपर के हम दिखाने वाले हैं। गाइस इसके बाद जो इसका सॉल्यूशन भी बता देंगे। सो गाइस जल्दी से आप यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आपका 17वां, क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें, यहाँ पर इसका अथवा खाद्य जाल क्या है। इसके बाद आपका 18वां, ब्रेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उसका उपयोग लिखना है, उसका एक उपयोग लिख देना है। इसके बाद अथवा धोने का सोडा बनाने की विधि तथा उसका एक उपयोग। इसके बाद है आपका 19वां, धमनी एवं सिरा में अंतर लिखिए। इसके अथवा है, पौधे के लिए वाष्पोत्सर्जन क्यों आवश्यक है, कोई तीन कारण लिखना है। जो पौधा है उसके लिए वाष्पोत्सर्जन क्यों आवश्यक है, ये आपको बताना है। इसके बाद 20वां, अपवर्तन संबंधी स्नेल का नियम सूत्र सहित लिखिए। इसका अथवा है आपको, गोली दर्पण के लिए प्रकाशिक केंद्र व वक्रता केंद्र को परिभाषित करना है। तो इसलिए आपके 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है। अब आपको जो 4 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, प्लास्टिक ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे आद्यता रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए। इसके बाद इसका अथवा है, अम्लोक्षार में 4 अंतर, बिल्कुल सिंपल है। आपके यहाँ पर 4 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद 22वां, मानव शरीर की किन्हीं 4 अंतःस्रावित ग्रंथियों का नाम व एक कार्य लिखना है। इसके बाद अथवा में, मानव सृजन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। इसके बाद है आपके 23वां, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष क्या है, चित्त द्वारा स्पष्ट कीजिए, इसके कारण एवं निवारण लिखिए, अथवा में मानव नेत्र का नामांकित चित्र। तो इसी आपके जो है टोटल 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके सॉल्यूशन की बात करें, तो इस आपको सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में कम्प्लीटली बताया जाएगा। इस वीडियो में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करा दिया गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से आपके टोटल 23 क्वेश्चन हैं, तो इस 23 के 23 क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से आप भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ध्यान कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम आपको नेक्स्ट वीडियो जो है डालें इसके सॉल्यूशन की, तो वाइस आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो वही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।